अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो के अंदर बात करेंगे कि बैंक अल बिलाद का एटीएम कार्ड हम कैसे हासिल कर सकते हैं और उनके कौन कौन से तरीके हैं। तो जाहिर बात है, इसमें दो ही तरह के मेथड हैं, एक एप्लीकेशन के थ्रू और दूसरा वेबसाइट के थ्रू। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन के थ्रू ट्राई करेंगे कि हम अपना एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जिन जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस हमारे चैनल के अंदर सऊदीया और पाकिस्तान की न्यूज़ और उनकी बैंकिंग का निज़ाम जो है वो अपडेट किया जाएगा। तो आइए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैंक अल बिलाद की एप्लीकेशन जो है उसे डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करते हैं और उसके अंदर जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं। तो बैंक अल बिलाद का यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपके नंबर पर जो ओटीपी आएगी, आपने ओटीपी इंटर करने के बाद बैंक अल बिलाद के हम मेन पेज के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। तो हम ओटीपी इंटर करते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद हम देखते हैं कि हम बैंक अल बिलाद के मेन पेज पे आ गए। आप ऊपर जो है लास्ट सेकंड नंबर पर लिखा हुआ कार्ड का बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कार्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डिजिटल कार्ड जो है वो शो हो जाएगा। आप हमें दूसरा फिजिकल कार्ड चाहिए तो हम इस अपने कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखते हैं हमारी डिटेल शो हो जाएगी। तो इसके नीचे जो है ये लिखा हुआ है रिक्वेस्ट ऑफ फिजिकल मदर कार्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके कार्ड की डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। मैंने वो हिडन की हुई है, मतलब ब्लर की हुई है। तो एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे या एग्री के ऊपर और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी रिसीव होगी। हम वो ओटीपी अपने मोबाइल से देखकर या डायरेक्ट ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम जो है देखते हैं हमारे पास एरर आ गया एप्लीकेशन की तरफ से। तो आइए चलते हैं, अब मैंने बात की दूसरे मेथड को इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट के थ्रू। तो हमने अपना ब्राउजर ओपन करने के बाद उसके गूगल में बैंक अल बिलाद लॉगिन इंटर किया तो हमारा मेन पेज जो है वो अल बिलाद नेट लॉगिन का आ गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो मेन पेज पर बैंक अल बिलाद के ले जाएगा। इसके ऊपर वही यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे जो हमने एप्लीकेशन में इंटर किया था। ये इंटर करने के बाद अगर हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं तो ये हमने इसकी सेटिंग इसकी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें एक ओटीपी रिसीव होगी। हम ये ओटीपी जो है आपको डायरेक्ट कॉल आएगी, आप कॉल रिसीव करेंगे और वो आपको ओटीपी बताएगा। तो हम जो ओटीपी वो बताएगा हम अपनी वही ओटीपी इसके अंदर इंटर करेंगे एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर इंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन के अंदर बटन के ऊपर। तो इसके अंदर जो है हम अपना ओटीपी जो हमें कॉल के थ्रू आया वो इंटर किया। इंटर करने के बाद हमारा थोड़ा सा प्रोसीजर हुआ तो हमारी अपनी वेबसाइट जो है वो दोबारा से लॉगिन हो गई। अब ये हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर लॉगिन होने के बाद मेन मेन्यू का बटन साइड पर दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक किया। तो उसके बाद हमने जो है माई कार्ड के बटन के ऊपर क्लिक किया। माई कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद मदा कार्ड जो है वो उसके ऊपर क्लिक किया। अब मदा कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जिस जगह पर पहुंच गए जहां एप्लीकेशन के थ्रू पहुंचे थे, तो हमने इसके अपने फिजिकल कार्ड के ऊपर क्लिक किया तो हमारी इसके ऊपर जो है सबसे लास्ट के अंदर जो है अच्छा इसके अंदर जो जिसके ऊपर क्लिक किया तो ऑथेंटिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। वो जो ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर आई वो हमने यहाँ पर इंटर कर ली। इंटर करने के बाद हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दी और उसके बाद जो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन है रिक्वेस्ट मदा कार्ड की, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें ये नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेगा। अच्छा अब इसके ऊपर हमने लास्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा नीचे जो है मदा कार्ड की ऑप्शन शो होगी। उसके ऊपर हमने कंफर्म के ऊपर क्लिक किया। अगर आपका नहीं हो सकता तो आप दोबारा से दो तीन दफा ट्राई करें तो ये हो जाएगा, अगर लिंक वगैरह डाउन ना हुआ तो। तो इसके बाद हमें ओटीपी एक रिसीव होगी। ओटीपी रिसीव होने के बाद हम जहां पर इंटर करेंगे तो वो हमें एक मैसेज शो करवा देगा। अब हम ओटीपी इंटर की, इंटर करने के बाद हमने कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद जो है उसको जैसे ही वो हमारी ओटीपी को भी एक्सेप्ट नहीं किया और ये ओटीपी हमारी एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट होने के बाद हमें जो है वो उसकी तरफ से मैसेज शो हो गया कि डियर कस्टमर योर मदा कार्ड जो है वो एक्सेप्ट हो गया। तो ये हमें 2 से 2.5 हफ्तों के दरमियान में बैंक की तरफ से हमें रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।